हमने नए कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ प्लेयर्स के प्रति अपनी मोहब्बत जता दी है। इतिहास में किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इतने पैसे नहीं मिले। मेरा मकसद ये है कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं उनका मोराल अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में खेलने जाए या कहीं भी जाए जहां कंपटीशन हो रहा है। ये मोहब्बत भरे शब्द बोले थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे ज़का अशरफ ने। इधर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंची, उधर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होते वीडियो को देख रहे लोगों के साथ ज़का ने भी भारत में पाकिस्तानी टीम का स्वागत देखा और फिर कुछ कहा। ज़का बोले, वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिला बेहतरीन रिसेप्शन, दिखाता है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के क्रिकेटर से कितना प्यार करते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिले रिसेप्शन में ये प्यार साफ दिख रहा था। मैं ऐसा रिसेप्शन अरेंज करने के लिए भारत के लोगों को बधाई देता हूँ। ज़का ने आगे कहा कि दोनों टीम्स मैदान पर दुश्मन नहीं, प्रतिस्पर्धी बनकर उतरेंगी। वो बोले, जब भी भारत और पाकिस्तान मैदान पर उतरते हैं वो चिर प्रतिद्वंदी बनकर उतरते हैं, दुश्मन नहीं। मुझे उम्मीद है कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ऐसी ही गर्मजोशी मिलेगी और भारतीय फैंस पाकिस्तान की ओर से बेस्ट क्रिकेट देख पाएंगे। बता दें कि अपनी टीम के स्वागत से भावुक हुए पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने भी भारत के लोगों की तारीफ की। रिजवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, यहाँ के लोगों ने बेहतरीन स्वागत किया, सब कुछ बेहतरीन रहा, अगले 1.5 महीनों के लिए उत्साहित हूँ। इनके अलावा कप्तान बाबर आजम और पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने भी स्वागत पर खुशी जताई थी। दोनों ने इसके लिए भारतीय फैंस की तारीफ भी की थी। बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने भारत में अपना पहला वार्म अप मैच भी खेल लिया। हैदराबाद में हुए इस मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने जमकर बैटिंग की। हालांकि उनके ओपनर्स यहाँ फेल रहे, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने बॉलर्स को खूब धुना। कप्तान बाबर आजम ने 84 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली, जबकि रिजवान ने 94 गेंदों पर 103 रन बनाए। इनके बाद आए सऊद शकील ने सिर्फ 53 गेंदों पर 75 रन बना डाले। आगे सलमान 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। शादाब खान ने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 345 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बॉलर्स पाकिस्तान के आगे लगातार बैकफुट पर दिखे। जिमी नीशम के 7 ओवर्स में 59 रन बने, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर्स में 34 रन दिए। रचिन रविंद्र के 8 ओवर्स में 60 रन आए। इसके अलावा भी 2 वार्म अप मैच थे। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ मैच बारिश के चलते एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में श्रीलंका की टीम 263 रन पर सिमट गई। टीम के लिए पतम नसंका और धनंजय डिसिल्वा ने 85 मारे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।